हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज सुबह से कम 4 से 5 लोगों ने मुझे कुछ बताया कि सर एमसीएस में काफी कुछ चेंजेस हो गए हैं और एमसीएस कुछ 70-80 पेजेस से बढ़ गया है। बच्चों बच्चों मुझे समझ में नहीं आता कि सब कुछ पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही है, सब लोग अपना सिलेबस खत्म करने वाले हैं और ये ऐसी न्यूज क्यों आती है मार्केट में? और जो ये न्यूज देता है क्या वो प्रॉपरली चीजों को एनालिसिस करके नहीं देता? और यार वैसे ही मार्केट में साला बच्चे कितने टेंस्ड हैं, कितने परेशान हैं, उसके बाद ये सारी चीजें और ऐसा बताया कि 80 पेज के एडिशन है। व्हाट नॉनसेंस यार, ये गलत है टोटली। आप कोई भी, मुझे नहीं पता वो फैकल्टी कौन है या वो जिनका वीडियो है वो कौन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत है। और 70-80 पेज यार कम ऑन, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये मॉड्यूल है, यस, ये दिसंबर 2019 के सेशन के लिए रेलिवेंट है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे आप उसी प्रकार से प्रिपरेशन कीजिए, कोई जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा देने की, जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं बस वही करते रहिए, वो अपने आप में बेस्ट है। और अगर याद रखिए, अगर आपने शुरू के जो मॉड्यूल में 258 या 268 केस लॉ है अगर आपने वो अच्छे से पढ़े हैं तो आपको वो एडिशन जो 80 पेज का हुआ है वो टच भी करने की जरूरत नहीं है। आईसीएसआई ने पहले ही बताया था बच्चों, वो बस आईसीएसआई ने पहले ही बताया था कि सैंपल केस स्टडी क्या है और उसको पीछे ऐड कर दिया और कुछ नहीं। मैं आपको सच्चाई बताता हूं क्या है, क्योंकि ये क्या पता बच्चों आजकल ये क्या चल रहा है। सो ये मॉड्यूल है, ये अभी की जो मॉड्यूल है ये मैंने वहां से डाउनलोड किया है। अब मैं जाता हूं, जो आखिरी केस है वो कोल इंडिया का केस है, तो मैं यहां पे सर्च में कोल इंडिया डाल दूंगा जो आपकी प्रेजेंट मॉड्यूल है। तो मैं गया सर्च में, मैंने कोल इंडिया डाला तो ये केस आ गया। तो आप लोग जो लोग प्रेजेंट मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, दिस इज द लास्ट केस जो आपको अपनी मॉड्यूल में दिखेगा। इसके बाद चीजें क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं। तो भैया ऐड क्या हुआ है चलिए देखते हैं। ये नोट्स यहां तक तो आपका पुराना सब कुछ था, ये डाल दिया उन्होंने यार सैंपल केस स्टडी। अरे कुछ नहीं, यहां पे आईसीएसआई बता रही है कि भाई कैसे क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूं एग्जाम में, फालतू, मतलब फालतू नहीं बट ये बच्चों ये ऑलरेडी आईसीएसआई ने पहले बताया था सैंपल केस स्टडीज क्या है। तो ये बस उन्होंने क्या किया, इसको अलग से ऐड कर दिया। बच्चों इसमें क्या पैनिक होने की जरूरत है? और कौन बोलता है 80 पेज या 70 पेज ऐड हुए? मैं देखो यहां पे कौन सा पेज नंबर है, ये 515, ये 516 और कहां तक है बच्चों। सो अगर मैं पूरा दिखा दूं आपको कितना है बच्चों, 516 से लेके 556, 556, 516 कितने पेज का एडिशन हुआ है और कितना डराया जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया। अरे बाबा ये सब, अच्छा ये भी, सॉरी ये भी, ये पेपर है। तो बच्चों ये 4-5 नई चीजें आपको बता रहे हैं बच्चों। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूं सैंपल केस स्टडी है, आपने देखना है तो देखना है, नहीं देखना है तो नहीं देखना है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जैसा प्रिपरेशन कर रहे थे वो बेस्ट है। और उल्टा 268 केस लॉस है यार उनके, और वो केस लॉस चूंकि हम लोग पढ़ते हैं 4-4, 5-5 पेज के केस लॉ है, साला पूरा लॉ कवर हो जाता है, चाहे वो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट हो, चाहे आर्बिट्रेशन एक्ट हो, चाहे कंपटीशन एक्ट हो, चाहे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, सिक्योरिटीज हो, फेमा हो, सब कुछ तो कवर हो रहा है यार। कॉम्पिटिशन अब क्या छोड़ा है, हर एक चीज अपन ने कवर की है। तो क्यों मार्केट में ऐसा फैलाने का कि ये एक्स्ट्रा हो गया 80 पेज एक्स्ट्रा? कुछ नहीं हुआ है बच्चों, फालतू का स्ट्रेस नहीं लेने का। आप जिस हिसाब से पढ़ रहे थे वो पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट है, प्लीज आप उस चीज को फॉलो कीजिए। कुछ भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, तरीका बना लिया है। तो बच्चों प्लीज पैनिक नहीं करने का बच्चों, चीजें बहुत आसान है, चीजें आसान है। 268 केस लॉज या 258 केस लॉज आप लोग पहले से ही पढ़ रहे थे, बस उस पर फोकस कीजिए, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर चाहिए तो आईसीएसआई ने, आपने जब 268 केस लॉज पूरे पढ़ लिए हैं उसके बाद ये सैंपल अगर चाहिए तो आप क्या कर लीजिए, एक बार जस्ट रीड कर लीजिए, क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज हम लोग ऑलरेडी हमने अपनी क्लासेस में कवर की है। और मेरे हिसाब से तो जिन बच्चों ने क्लासेस ली हैं या जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनको ऐसे अलग से कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज डोंट बी पैनिक, सब कुछ वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।